ब्रह्म ऋषि श्री देवरहासन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन आदिशक्ति श्री दुर्गा के छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से भक्त इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके सभी रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। एक समय कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माता ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन की प्रार्थना को स्वीकार करने के कारण देवी ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके दशमी को देवी ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिया। इसके पश्चात देवी का महिमा मंडन 3 लोकों में हुआ। माता का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका दाहिना ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे का हाथ वरद मुद्रा में है। बायां हाथ ऊपर वाला तलवार को धारण किए हुए और निचले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ कर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी माँ कात्यायनी की कथा। नमो नारायण।